हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। जैसे कि मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि हमारे टाइप्स ऑफ अकाउंट कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, फिर ये वाला वीडियो देखने आइएगा, तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। तो आज उस वीडियो में मैंने बताया था कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है और आपका नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। आज हम इनके टाइप्स की बात करेंगे। तो हम बात करेंगे सबसे पहले आपके कि पर्सनल अकाउंट जो आपका होता है वो कितने तरह का होता है, ठीक है। पर्सनल अकाउंट हमारा कितने तरह का होता है आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो पर्सनल अकाउंट की अगर बात करें हम, तो ये हमारा तीन तरह का होता है, ठीक है। एक होता है आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो अगर हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट की बात करें, तो ये हमारे इस टाइप के अकाउंट्स होते हैं जिसमें हमारे नेचुरल पर्सन की बात होती है, यानी कि ह्यूमन बीइंग की बात होती है, हम लोगों की बात होती है, ठीक है। तो ऐसे सारे अकाउंट जिसमें नेचुरल पर्सन की बात होती है, ह्यूमन बीइंग की बात होती है, जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो वो सब आपके पर्सनल अकाउंट में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो हमारा हो जाएगा राम्स अकाउंट, ठीक है, राम्स अकाउंट, सीता अकाउंट, सीताज अकाउंट, ठीक है, प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो प्रोप्राइटर की कैपिटल है तो वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, सन्ड्री डेटर को भी हम मानते हैं कि वो हम एक पर्सन ही होता है, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स अकाउंट हो गया आपका, क्रेडिटर्स अकाउंट हो गया, ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट हो गया। तो ये सब आपका किसमें आ जाता है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आ जाता है, क्योंकि इसमें हम किसी ह्यूमन बींग की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो टाइप है हमारा वो है आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो अगर हम आर्टिफिशियल पर्सन की बात करें, तो आर्टिफिशियल पर्सन इसके नाम से ही क्लियर है कि ऐसा पर्सन जो एक्चुअल में पर्सन नहीं है, लेकिन हम लॉ के अकॉर्डिंग, मतलब कि हम लॉ के अकॉर्डिंग उसको क्या मानते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन एज अ पर्सन ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैंक हो गया, बैंक हमारे लिए क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, ठीक है, लेकिन हम उन्हें जो है लॉ के अकॉर्डिंग एज अ पर्सन ट्रीट करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया इसका बैंक अकाउंट हो गया, ठीक है, बैंक हमारे लिए आर्टिफिशियल पर्सन होती है, कॉलेज हो गया कोई भी, ठीक है, स्कूल हो गया, आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ठीक है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, कंपनी हो गई, इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई। तो ऐसी जितनी चीजें हैं जिनको हम एज अ लॉ आर्टिफिशियल पर्सन मानते हैं, वो सब आपकी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आ जाती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड की। थर्ड जो है हमारा वो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव या फिर हम बोल सकते हैं उसको ग्रुप पर्सनल अकाउंट, ठीक है। इसके भी नाम से ही क्लियर है, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो, यानी कि दर्शा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे अकाउंट की बात करेंगे जो किसी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, वही क्या कहलाता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाता है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझे, तो ऐसा अकाउंट जिसके आगे प्रीपेड लग जाए या एडवांस लग जाए या आउटस्टैंडिंग लग जाए, वो सब आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं, सपोज दैट ए एक पर्सन है और उनकी सैलरी एक मंथ की ड्यू है, और एक पर्सन बी है, उनकी सैलरी भी एक मंथ की ड्यू है। तो हम क्या करते हैं अपने बिजनेस में कि हम ए सैलरी अकाउंट, ए आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, बी आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट ना क्रिएट करके हम सिंपली क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट क्रिएट करते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। और इसमें जितने भी इम्प्लॉयज की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, ड्यू है, उन सबको इसमें दिखा देते हैं, ठीक है। तो हो क्या रहा है, बेसिकली ये किसी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन के अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम और ले सकते हैं कि हमारा एडवांस इनकम, ठीक है, एडवांस इनकम, तो जिनकी भी एडवांस इनकम है, या फिर आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब आपके किसमें आ जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में आ जाते हैं। जिनके भी आगे एडवांस, प्रीपेड ये सब लगा होता है, वो सब आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आ जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसके रूल की बात करते हैं। तो अगर हम रूल की बात करें, ठीक है, तो हम अगर इसके रूल की बात करें, तो इसका रूल क्या है, इसका रूल कहता है कि डेबिट इज द रिसीवर, डेबिट क्या होता है, वो रिसीवर, एंड क्रेडिट इज द गिवर, ठीक है।
तो डेबिट कौन होता है, जो रिसीवर होता है वो रिसी डेबिट होता है, ठीक है, यानी कि जो चीज जिसको कोई चीज रिसीव हो रही है वो पर्सन डेबिट हो जाएगा, और जो गिवर होता है क्रेडिट हम उसको करते हैं जिससे मिल रहा है, जो दे रहा है, देने वाले को हम क्रेडिट करते हैं, और जिसको कोई चीज रिसीव हो रही है वो पर्सन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, कैश पेड टू राम, ठीक है, एंट्री है कैश पेड टू राम, तो अब राम को हम कैश दे रहे हैं तो सीधी सी बात है रिसीव कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो राम रिसीव कर रहे हैं इसलिए राम क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, तो राम अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और रिसीव क्या हो रही है, कैश, कैश देने वाला कौन है ये तो नहीं बताया गया है, ठीक है, तो कैश हमारे लिए एसेट्स होती है इसलिए हम कैश कम हो रही है तो क्रेडिट कर देंगे, एसेट जब भी कम होती है तो हम उसको क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, तो टू कैश अकाउंट कर देंगे। अब जितना भी अमाउंट है, फॉर एग्जाम्पल 2000 है, तो ये एंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब यही है इस रूल का कि डेबिट जो होगा वो रिसीवर होगा और क्रेडिट हमेशा गिवर होगा, देने वाला होगा, ठीक है। तो आई होप आपको पर्सनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि रियल अकाउंट क्या होता है, उसका क्या रूल्स और रेगुलेशंस होता है डेबिट या क्रेडिट करने का, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।